राम राम आप सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, मिलते हैं आपको रास्ते में, दिखाते हुए चलेंगे। आज हम बाइक पे जा रहे हैं, बाइक से सफर करेंगे भाई। 200-210 के आसपास पड़ा है, जाओ है। ये था आज है तो ना आया हूँ यार, क्राउड लेन तो नहीं जा पाई, तई जाओ है। आपने दिखाते चलेंगे नज़ारे, अभी तो वैसे कावड़े आ रही हैं, टाइम है क्योंकि कुछ जगह शाम को जल चढ़ना है। मिलते हैं आपको, दिखाते हुए चलते हैं। तो भाई ट्रेन कुछ भी ना, बारिश अभी नहाड़े इस तरह का बारिश है और तेज आ रही है, कसूती तेज आ रही है। वैदा भाई पर तेरी कावड़ रह रही है, बहुत बोली रह रही है वैदा अपनी मंजिल पर पहुंचने में भी कावड़ भी आना लाग रही है। बता भाई रुड़की हरिद्वार से 10 किलोमीटर पहला है, ये भी कावड़ जान लाग रही है। डाक कावड़े पैदल वाले भी हैं, कुछ थोड़े थोड़े हैं जो ये बैठ गए, थोड़ा सा रेस्ट किया था, लंबा सफर है थोड़ा सा बाइक के अकॉर्डिंग। पहुंच गया भाई हरिद्वार, मैंने बता दी पहले पौड़ी है, धूप होगी एकदम से तेज भाई। देख लो भीड़ भी बतेरी है, दब के भीड़ है, ढाई बज रहे हैं दिन के, सुबह जल चढ़ लिया की दुनिया का हरी पैदा गणेश जो उठा होंगे पहाड़ी तल अभी ये नहीं पता किस टाइम चढ़ाऊंगे किस टाइम के है। देखो आप भीड़ देखो, ट्रेन गंगा मंदिर द्वारा भी है, ट्रेन भी सारे का भीड़ है, भीड़ है। लो भाई बालक मजे ले रहे हैं गंगा मैया में, भाई लक्ष्मण झूले कह आए थे देखने पर अभी बंद है, कोई भाई आवे तो रेन बताइयो। परली साइड जाना है तो या तो आगे चौक है या फिर राम झूले पे, तो यही दो ऑप्शन है, दोनों साइड काम चल रहा है, इधर भी और उधर भी दोनों साइड हो रहा है काम चल रहा है। थे हम भी देखे फिर बंद पड़ा है, सुबह नीलकंठ जाने की सोचा थे।